सो गाइस मुझे एम्बुलेंस को रोकना होगा बिकॉज इसमें वीरा है, और वीरा अगर प्रिजन तक पहुंच जाएगी तो वो सारे सच उगल सकती है। हमें वीरा को बचाना होगा और ये एम्बुलेंस भागे। यार मुझे रुकना होगा। अरे जीसन जल्दी गाड़ी में बैठो। सो हे गेमर्स, वेलकम बैक टू टेकॉन गेमिंग। सो आज के इस वाले वीडियो में हम जा रहे हैं दूसरी कंट्री को कुछ कार्स इंपोर्ट करके ये कंट्री लाने, बिकॉज तुम लोग को तो पता ही होगा हमने लास्ट एपिसोड में शोरूम ख़रीदा था, तो ये शोरूम का नाम मैंने रखा है कार्लिस कार्स बिकॉज ये जेसन के बेटी का नाम है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे कार्स लाना है, ठीक है, बिकॉज ये नया शोरूम है। सो मुझे कुछ इसमें बहुत लाइक इन्वेस्ट मैंने किया है कुछ 1 लाख रुपीस, बहुत छोटा सा शोरूम है। हम आगे इनफैक्ट फ्यूचर में हम बहुत अच्छा शोरूम बनाएंगे। सो अभी जैसे कि तुम सब देख सकते हो मुझे अच्छी एक बाइक मिल चुकी है। सो अब देख सकते हो बंदा बेचारा स्कैम हो गया इसके साथ। तो सो अभी यहाँ पे अभी हम चल जाते हैं आगे सीधा, और एयरपोर्ट को जाना है मुझे। तो एयरपोर्ट से जाने से पहले कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं हम, तो सबसे पहले उतर जाता हूँ मैं। सो सबसे पहले तुम लोग को बैनर अच्छा लगेगा, और रेस्पॉन्स भी मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट्स बहुत आए थे कि भाई तुम्हारा बैनर बहुत अच्छा बना है और तुम्हारा चैनल का नाम भी सही है बना लिया है तुमने, मिस्टेक से बना है बट अच्छा है चैनल का नाम, ये कमेंट्स आए थे मुझे लास्ट। एंड और वो कमेंट्स आके भी डिलीट कर दिए जो उसने कही है करे थे। और हाँ, दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि अभी फ़िलहाल हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे जाने से पहले कि जो जो मुझे बंदे सपोर्ट करते हैं उनका नाम ले लेता हूँ मैं। न्यू स्टेड एंड जेड जेड गेमिंग हेल्पिंग गेमर्स और कौन है एंड इतने याद है मुझे। ये वाली वीडियो पर जिसके कमेंट्स आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उनका नाम लूँगा। फिलहाल मैं एयरपोर्ट पर पहुँच चुका हूँ, और ये बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है मेरा, बट अब चलो अब जो हुआ सो हुआ, मेरी फ़्लाइट मिस हो रही होगी वहाँ पे, मुझे जल्दी से बाइक पे बैठना है और फिर से निकलता हूँ मैं एयरपोर्ट के लिए। अरे यार भाई रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ जल्दी जेसन बैठ पे जाओ। सो की गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो मैं वापस अपनी फ़्लाइट व्लाइट सब छोड़ के आऊँ, बिकॉज मुझे खबर बहुत अर्जेंटली ईमान ने मुझे बुलाया था उसके सीक्रेट बेस पर। सो मैं ईमान के पास जा रहा हूँ अभी बहुत जल्दी। उसने सीरियसली मुझे बुलाया था, उसने कहा था कि भाई जितनी जल्दी हो सके मेरी सीक्रेट बेस पे आओ। मैं तो चला आया इधर बिकॉज मुझे पता है ईमान कभी भी झूठ बात से नहीं बोला, वो टेंशन में जब आता है ना बहुत बड़ी टेंशन होती है। फिलहाल ये डोर तो उसने लॉक कर रखा है। इस बार उसने कहा था पीछे वाले सीक्रेट रूम से आओ, तो अभी पीछे वाले सीक्रेट रूम से जाते हैं। यार ये कहाँ गिर गया मैं, अब मुझे चढ़ना पड़ेगा। सो गाइस अभी मैं स्किप करता हूँ और मिले बाद ही आपको मिलता हूँ, ईमान से मिल के आपको मिलता हूँ। सो गाइस अभी फ़िलहाल मैं ईमान से मिल के निकला हूँ, और गाइस मैं लिटरली क्या बताऊँ, मेरे आई एम वेरी शॉक्ड। आपको याद है गाइस कि हमारे टीम ग्रुप में कैरन, ईमान, मैं मतलब जैसन एंड एक लेडी थी जिसका नाम वीरा था, याद होगी ना, वो ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी लाइक ओल्ड कस्म की लेडी, ठीक है। सो वो लेडी मर गई थी ये हमें पता चला था, मतलब ईमान को पता चला था और ईमान ने हम लोग को बताया था। लेकिन गाइस ईमान को अभी पता चला है कि वो जो झूठी एक अफवाह थी, बिकॉज वो जो ये पुलिस वालों की एक चाल थी, मिलिट्री बेस वालों की एक चाल थी कि हम सबको डिस्ट्रैक्ट कर सके, और उतने टाइम में वो वीरा का हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे। और अभी आज इसलिए खबर मिली ईमान को बिकॉज आज वीरा डिस्चार्ज हो चुकी है हॉस्पिटल से, और वो उसको मिलिट्री बेस लेके जा रहे हैं उसको टॉर्चर करने, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो मेरे मिलिट्री कर्नल का कितना बड़ा प्लान है और गेम बनाया उसने। लाइक देख सकते हो सीज़न 1 में वीरा डैमेज हुई थी और हमने समझा था वीरा मर चुकी है, लेकिन वीरा नहीं मरी थी, वीरा सिर्फ डैमेज हुई थी और पुलिस वालों ने उसका इलाज करके अब उसे टॉर्चर करने लेकर जाने। अब अगर वीरा ने सब सच उगलवा दिया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो सो अभी हम ये गाड़ी से वीरा को नहीं पकड़ने वाले, मतलब एम्बुलेंस को नहीं पकड़ने वाले, ये ईमान की है ना, इसलिए सो हम कोई दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त कर लेंगे और सीधा फटाफट से यहाँ पर टैंपो जा रही है और ये एम्बुलेंस जा रही है, हमें पकड़ना होगा। सो जल्दी से मैं अपनी कार को रिपेयर कर लेता हूँ और ये एम्बुलेंस को रोकना होगा। गाइस ये इसमें वीरा ही है और इसका नंबर प्लेट भी सेम है। अभी ये भाग ना जाए, बस मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, अब मैं उतरता हूँ और ये रिवर्स ले रहा है। यार नहीं, भाई रुको जो रुक जाओ
गाइस गाइस ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये एम्बुलेंस ड्राइवर है, मतलब तो जल्दी से मुझे भगाना होगा वरना ये पकड़ना ही पकड़े जा सकती है, मतलब भाग जाएंगे। और अगर वीरा वो लोग के हाथ में चला गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सो फटाफट से मैं यहाँ पर, इस बार तो नहीं बच पाएगी ये, इस बार तो ये बिल्कुल नहीं बच पाएगी। अभी यहाँ पे ये देखे ना आप लोग, ये जो पीछे दो गाड़ियाँ हैं ना, ये लोग भी हम पर अटैक करने वाले, देखो, बिकॉज ये लोग को मालूम है कि जैसन हमला करने वाला ही है। सो ये लोग देख सकते हो, अभी आप देखो, बस अब देखो, अभी आप देखो ये लोग कैसा हमला करते हैं मेरे ऊपर, देख सकते हो आप देख सकते हो, लैम्बोर्गिनी वाला मतलब गैलोपिन वाला मुझ पर अटैक कर रहा है यार। ये उसके टायर पंक्चर कर दिए गाइस ये लोगों ने एम्बुलेंस के, हमें जो भगा देते ईमान के सीक्रेट बेस पर लेके जाना पड़ेगा वीरा को। ये वीरा आई थिंक अंदर हो गई, इसका लॉक भी हम नहीं खोल पाएंगे, जो ईमान ही खोलेगा स्पेशल हैकर की टीम मंगवा कर, उसका सारा बिल ईमान ही देगा, हम नहीं देंगे, ठीक है ठीक है, नहीं देंगे हम। सो गाइस अभी मैं फटाफट से आपको मिलता हूँ सीधा ईमान के सीक्रेट बेस पर। सो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैं ईमान की सीक्रेट बेस पर पहुंचने ही वाला हूँ, और सामने यहाँ पे पुलिस घूम रही है, मुझे साइलेंट हो जाना चाहिए नॉर्मल आदमी के वैसा। हाँ सो अभी पुलिस चली चुकी है और यहाँ पे सीधा ईमान के सीक्रेट बेस पर जा रहा हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ पीछे ईमान ने कहा था सीधा सामने उसके पार्क पर डाल देना गाड़ी को, तो मैं यहाँ पर फटाफट डाल देता हूँ, बिकॉज इसका रही यार पानी में गिर गई। फिलहाल कोई बात नहीं, ईमान को बोल के पानी से निकाल के हम वीरा से डायरेक्ट बात करके निकलता हूँ। सो मैं वीरा से बात कर लेता हूँ पहले। सो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैंने अभी वीरा से बात कर ली, और वीरा कह रहा है कि जो बंदे जिसके पीछे मेरा हाथ था ना, उस मतलब जिसने उसको किडनैप करा, जो उसको हॉस्पिटल और पुलिस के बीच में टॉर्चर करने के लिए पुलिस को उसकी लोकेशन सब कुछ बता रहा था ना, उस बंदे का नाम है मिक, ठीक है मिक है, तो हमें मिक को मानना है। सो मिक के पास बहुत बड़ी फोर्सेस है, जैसे कि GTA 5 में बिग माफिया है ना, वैसे ही यहाँ पे मिक है, तो अभी मिक को मानना है मुझे। और फिलहाल मैंने वीरा को ईमान के पास छोड़ दिया है, वहाँ पे ईमान है और ईमान के साथ उसके कुछ दो बंदे हैं, तो उसकी वो लोग वहाँ पर प्रोटेक्शन है, वहाँ पर डरने की कोई बात नहीं। और वैसे भी ये ईमान का राज है ये एरिया में, अब फिलहाल यहाँ पे मिक के लोग हैं, तो यहाँ पे मिक के लोग यहीं ही रहते हैं, तो हम फटाफट से इधर आ गए, देख सकते हो आप लोग। सो गाइज हमें यहाँ पे सारों को मारना है, तो मारने के लिए मैं हल्का हल्का कवर लेता हूँ। गाइज ये लोग बहुत बड़ी डैमेज दे रहे हैं, और मेरे पास आर्मर भी नहीं है, शिट मैन, सो मैं आर्मर नहीं ले सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये लोग, मैं गाड़ी पे क्यों मार रहा हूँ, एक काम करता हूँ स्नाइपर निकालता हूँ, ये लोग स्नाइपर। सो गाइज ये लोग स्नाइपर भी नहीं मार सकते, देखो मैं कितने बार बटन टैप कर रहा हूँ स्नाइपर का, नहीं हो रहा है गाइज, ये नहीं हो रहा है, लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके। सो गाइज जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैंने सबको मार दिया, और यहाँ पे है मिक, ठीक है। अब ये मिक को मानना है, बिकॉज ये मिक ना बहुत री गाइज, गाइज ये मिक तो स्नाइपर की बुलेट भी नहीं मतलब झेल सक रहा, मैं इसको एक मारूंगा दो मारूंगा, मर गया मिक, यस। अब मिक कौन से पार्टी में जाता है देखते हैं, फ्रेंड के पास भी नहीं जाने वाला ना कहीं। सो वीरा ने कहा गुड वर्क किड, सो अभी हम वीरा ने हमें दी है 3 डायमंड्स ये काम करने के लिए, ठीक है, और 6 लाख XP। अब फिलहाल मेरे को वीरा का वापस कॉल आया है, सो बात कर लेते हैं वीरा से हम। सो गाइस मैं बात करके मिलता हूँ आपसे। सो गाइस फिलहाल मेरी वीरा से बात हो गई, और वीरा कह रही है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मतलब ईमान था वीरा के फ़ोन पर, तो ईमान कह रहा था कि वीरा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो वो उसको हॉस्पिटल लेके गया है, एंड उसका पहचान का हॉस्पिटल, तो वहाँ पर टेंशन करने वाली बात नहीं है, वो सब हम अगले एपिसोड में मालूम करेंगे क्या हुआ वीरा को। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, एंड मैं एम करता हूँ 5 लाइक, इसे वीडियो का टारगेट है, एंड कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अब जितने तुम्हारे दोस्त हैं जो गेमिंग कंटेंट में इंटरेस्टेड है, उनको ये वीडियो शेयर करना भी मत भूलना। सो यू आर वॉचिंग टेक ऑन गेमिंग, आई एम योर अंसुरुद्दीन, बोथ आर साइनिंग ऑफ।